Hi, this is Kailas and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 18 of exercise 5.3. A spiral is made up of successive semicircle with center alternatively at A and B. Starting with center A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 and 2 cm and continue. H1 figure. जैसा हमें फिगर में दे रखा है, ये एक हमारा सेमी सर्कल बना हुआ, ये हमारा ए और बी सेंटर है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है ऐसे करके, तो ये एक सेमी सर्कल बना रही है और ये एक वायर है स्पाइरल. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल. हमें टोटल लेंथ लिखानी है कि ऐसे करके ये कितने बना रहा है, 13 कंजुगेटिव सर्कल बना रहा है. जैसे हमारा ये एक हो गया सेमी सर्कल, यहाँ तक इसकी लेंथ दे रखी है L1. अब सेकंड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, इसकी लेंथ होगी L2. थर्ड हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक L3 और ये यहाँ से हो गया L4 एंड कंटिन्यू ये चल रहा है. हमें 13 तक निकालनी है कि 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल बनाए तो हमारी लेंथ कितनी होगी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो अगर ये इसके चारों ओर कंटिन्यू राउंड लगा रहा है तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन में पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल. पेरीमीटर सेमी सर्कल होता है हमारा पाई आर सेंटीमीटर हो गया. लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल लिखेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल हो जाएगी हमारा पाई आर. आर हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल की कितनी दे रखी है, यहाँ पे 0.5 है, सेकंड की 1 है, थर्ड की 1.5, फोर्थ की 2 है, तो ये हो जाएगी 0.5. और लेंथ फर्स्ट की हम इसको डिनोट करेंगे L1 से, क्योंकि ये यहाँ से लेकर इसने हमने इसको L1 लेट किया, तो ये हमारा हो जाएगा पाई. अब 0.5 को लिख सकते हैं हम 5/10, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा हमारा π/2 cm. ओके, अब हम सेकेंड लेंथ कैलकुलेट करते हैं. L2 हमारा हो जाएगा πr2. पाई हमारा ये 1, मल्टीप्लाई में R2 हमारा क्या 1 है, तो ये पाई हो जाएगा पाई सेंटीमीटर. L3 हमारा हो जाएगा पाई R3. R3 हमारा क्या दे रखा है, 1.5, यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू R3 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 पाई. 1.5 की इसकी पॉइंट एट आएंगे, नीचे आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई में पाई है, 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 = 3π/2. ये होगी हमारी L3. सेम ऐसे ही हम L4 निकाल लेंगे. L4 हो जाएगा हमारा पाई R4, पाई और R4 हमारे देखा 2 cm, तो हो जाएगा 2π cm. सो ये हमारी कंटिन्यू सीरीज क्या बन रही है, फर्स्ट में बन रहा था 5/2, तो सीरीज लिखेंगे यहाँ पे π/2, सेकंड में हमारा पाई, थर्ड में हमारा 3π/2 एंड फोर्थ में हमारा 2π एंड कंटिन्यू. ऐसे ये हमारी सेम सीरीज चल रही है. तो अब यहाँ पे हमें क्या देखा, ए हमारा क्या हो जाएगा, ए तो हमारी फर्स्ट हो जाएगी π/2 और डी हमारा क्या हो जाएगा a2 - a1, तो इसमें इसका डिफरेंस लेंगे π - π/2, तो ये हो जाएगा हमारा π/2. और एन कितना दे रखा हमारा, एन दे रखा है 13, तो ये चीज हमें दे रखी है. तो अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ निकालना है, सम ऑफ 13 कंजुगेटिव टर्म, तो एन की वैल्यू 13 होगी, तो हम S13 निकालेंगे. तो एस एन का हमारा फॉर्मूला पता ही है हमें, तो एन की जगह लिखेंगे 13. सो हम S13 की वैल्यू निकाल सकते हैं, N/2 मीन्स 13/2 हो गया इंटू 2a, 2 × a की वैल्यू हमारे पास π/2 प्लस N − 1, एन है हमारे पास 13, तो 13 में से 1 जाएगा 12 और डी हमारे पास π/2. सो इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 × 6 = 12, तो ये आएगा हमारे पास 13/2 इंटू ये यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, यहाँ पे क्या 6π प्लस 6π, तो हमारे क्या हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 6 + 1 = 7π. 7 और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 = 11, तो ये हमारे पास हो गया 11. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13 × 11 आएगा 143
सेंटीमीटर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारे 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल की कितनी आ जाएगी लेंथ, 143 सेंटीमीटर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब करते हैं हम 19। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो, टू इट एंड सोन। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। ये कह रहा हमारे पास 200 लॉग्स है, ऐसे रखे हुए हैं। जैसे हमारे सबसे बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो में कितने रखे हुए हैं, 20 लॉग्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 20 तक है। फिर इससे वाली जो इससे रो, इसमें एक कम कर दिया गया, यहाँ पे कितने रखे हुए हैं, 19, और इससे वाली में 18, फिर 17, 16, 15 ऐसे रखा हुआ। जिसने पूछा है 200 लॉग्स रखने के लिए हमें कितनी रो चाहिएगी, और टॉप वाली जो रो होगी उसमें कितने रो आएंगे, तो उसको हम निकालेंगे। तो हमारे पास n निकालना है, तो लेट कर लेते हैं हम, लेट देर आर n नंबर ऑफ लॉग्स। ओके, n नंबर ऑफ लॉग्स हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे बॉटम में कितने हमारे 20, उससे नीचे वाले में, उससे ऊपर हो जाएगा 19, फिर 18 एंड कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलेगा ये। तो ऐसे ने हमारा क्या दे रखा है, 200 हो गया। सो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 20। ये हो गया जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है 20, और डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस इसमें से निकालेंगे हम 19 माइनस 20, तो आएगा -1। डिफरेंस हो गया हमारे पास -1 का डिफरेंस है, और एस एन हमारे पास ए है, तो हम एस एन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो एस एन हमारी वैल्यू कितनी देर की, 200 इक्वल टू एन कितने निकालनी है, मेन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो एन को यहीं एज इट इज रखेंगे। टू ए की वैल्यू है 20, तो 2 × 20 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास -1। सो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 400। अब एन रखेंगे यहाँ पे, 22 × 40, इसके -1 के एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, और -1 के 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का n हो जाएगा, प्लस का n नहीं, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि n तो इसके साथ है ही नहीं, ये 1 हो जाएगा हमारा। सो इसको सोल्व कर लेते हैं, 400 इक्वल टू एन इंटू 40 प्लस 1 कितना हो गया, 41 माइनस n, सो ये हमारा हो जाएगा 400 इक्वल टू एन से मल्टीप्लाई करवाएंगे 41 माइनस एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर को उस साइड लेके जाएंगे, एन स्क्वेयर माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले 4th चैप्टर में भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें क्या होता है, जो लास्ट में जो कोफिशियंट होता है कॉन्स्टेंट, इसकी तो मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए इसकी स्टार्टिंग वाले के साथ, तो 1 से करेंगे तो 400 आएगी, और प्लस माइनस करके हमारा -41 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर हमारे बनेंगे एन स्क्वेयर -25n और -16n। 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, ये दोनों हमारे इसके फैक्टर हो गए। प्लस 400 इक्वल टू 0, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आएंगे n -25, और दूसरा हमारा फैक्टर हो जाएगा n -16। तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 25 और 16। अब इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे। अगर हम n की वैल्यू लेके चलते हैं 25, तो लिखेंगे यहाँ पे इफ n इज इक्वल टू 25, तो n निकालेंगे, n का फॉर्मूला होता हमारा a प्लस एन माइनस वन डी, तो a 25 इज इक्वल टू, a क्या था हमारे पास 20 प्लस n किसने ली हमारी 25 में से 1 गया 24, और d की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1, तो ये हो जाएगा 20 -24 आएगा -4। अगर हमारी ए एन की वैल्यू -4 मीन्स नेगेटिव आ रही है तो उसको हम करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि माइनस की वैल्यू हम नहीं लेंगे एन की वैल्यू। अब हम दूसरी लेके चलते हैं 16। अगर हम ए 16 लेके चलते हैं, इफ इसको हम क्रॉस कर देंगे कि इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इफ एन इज इक्वल टू 16 लेके चलते हैं, देन ए एन क्या हो जाएगा, ए 16, ए था 20
प्लस एन माइनस वन, एन सिक्सटीन प्लस माइनस वन फिफ्टीन, डी माइनस वन, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, ये हमारी पॉजिटिव आई है तो इसको लेके चलेंगे तो हमारी नंबर ऑफ रोज कितने आ जाएंगे 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव आई है, नंबर ऑफ नेगेटिव तो हमारी हो ही नहीं सकती, तो ये यहाँ पे कितने रो बनेंगे ऐसे करके, इससे ऊपर हमारे बनेंगे 16, और नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे जो हमने अभी निकाला है 5, नंबर ऑफ लॉग्स होंगे हमारे जो सबसे ऊपर वाली रो बनेंगे, जैसे इसमें 20 है, इसमें 19, 18, 17, तो सबसे ऊपर जो हमारी होगी उसमें कितने लोग होंगे 5, और फिर हम उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने बनेंगे टोटल 200 लोग चाहिए थे हमें, तो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे हमारे 5 और नंबर ऑफ रो बनेंगे 16, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। हमारे पास ये बकेट है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पोटैटो रखे हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 10 पोटैटो रखे हुए हैं। ओके, तो ये कह रहा बकेट कितने डिस्टेंस पे, पहले पोटैटो से 5 मीटर, दूसरे से फिर 3 मीटर, फिर कंटिन्यू ये 3 मीटर से दूर रखा हुआ। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, देर आर 10 पोटैटो, 10 पोटैटो हो गए, ए कंपिटेटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप नियरेस्ट पोटैटो रन बैक विद इट ड्रॉप्स इन बकेट रन बैक टू द नेक्स्ट पोटैटो एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस सी हैज टू रन। कह रहा है एक कंपिटेटर है, वो रेस स्टार्ट करती है, उसने क्या किया कि सबसे पहले वो आती है यहाँ से स्टार्ट करती है, नियरेस्ट पोटैटो को उठाती है वापिस इसके अंदर डालती है, फिर इसके अंदर डालने के बाद सेकंड पे पहुंचती है, जो इसी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी सेकंड पे जाएगी तो 8 मीटर हो जाएगी, फिर वापस जाएगी, तो इस तरह से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की टोटल, मतलब यहाँ तक 10 पोटैटो है, इस लास्ट वाले को भी लेके जाएगी एक एक करके वापस डाल रही है, तो लास्ट में जब वो यहाँ पे आएगी और इसको वापस डालेगी तो वहां तक उसकी टोटल डिस्टेंस हमें चेकआउट करनी है। ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, डबल हो रही है, पहले वो यहाँ से यहाँ तक आई है वापस गई है तो उतनी जितनी वो आई है उतना ही वापस जाएगी, सेकंड यहाँ से फिर आई है फिर गई है, तो ऐसे लास्ट तक जब आएगी और वापस जा रही है तो उसकी क्या हो रही है, डबल हो रही है लेंथ, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारी ये पी सीरीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है हमारी फर्स्ट पोटैटो कितनी डिस्टेंस पे 5 पे, सेकंड फिर 3 पे, थर्ड 3 पे, फिर कंटिन्यू 3 मीटर पे दे रखे हैं, तो ये पी क्या हो जाएगी, फर्स्ट है हमारा 5, दूसरा क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8, फिर 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, ऐसे कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है। ओके, तो अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए की वैल्यू क्या आएगी 5, डी की वैल्यू होगी 3, डिस्टेंस कितना आ रही है, डिफरेंस 3 है, और एन हमें नंबर ऑफ पोटैटो दे रखे 10 तक जाना है हमें, तो एन हो जाएगा हमारा 10, हमें निकालना एस ऑफ 10, सब निकालना है कि कितना आएगा टोटल, सो फॉर्मूले में पुट करते हैं, एस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बाय 2, एन है 10 बाय 2 इंटू 2 ए, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, 10 में से 1 गए 9, और डी की वैल्यू हमारे पास है 3, स्टार्ट कर दें, 2 5 जा 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 5 जा 10 प्लस 9 3 जा 27, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 27 प्लस 10 हो गया 37, ये आ गया हमारा 185, सो ये तो आ गया हमारा 185, एस 10 की वैल्यू आ गई, ये एस 10 की वैल्यू आई है, लेकिन हमें निकालना टोटल डिस्टेंस, ये तो हमारी सिंपल डिस्टेंस आ गई कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, बट वो बैक भी तो जा रही है, वो डिस्टेंस यहाँ से पोटैटो उठा के वापस उसके अंदर ड्रॉप कर रही है, तो हमारी क्या आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 185 इक्वल टू 370 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।